हेलो फ्रेंड, आज हम सफ़र करेंगे बेंगलोर से मैसूर के लिए और जो हमारा ट्रेन नंबर है वो है 2660 यानी 20,660 और इस ट्रेन का नाम है राज्या रानी एक्सप्रेस और ये जो है KCR बेंगलोर यानी सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चलती है और ये तकरीबन 2.5 घंटे में वहाँ पहुँचा देती है, 2-2.5 घंटे में पहुँचा देती है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी सही टाइम पे पहुंचा देती है। ये जो है ना ट्रेन यहाँ से डेली चलती है और ये प्लेटफार्म नंबर 5 से जाएगी। जो KCR बेंगलोर स्टेशन है उसको जो है रेलवे की भाषा में SBC के नाम से पहचाना जाता है और जो मैसूर का रेलवे स्टेशन है उसे रेलवे की भाषा में MYS के नाम से पहचाना जाता है। तो कभी भी आपको सफ़र करना हो तो इसी ट्रेन से कीजिएगा। ये मैसूर जाने के लिए बेंगलोर से बहुत ही अच्छी ट्रेन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से जाती है और कैसे चलती है और क्या क्या होता है वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पर आ गया हूँ और ये खड़ी है राज्य रानी ट्रेन, जिस ट्रेन से मुझे मैसूर जाना है। ये डब्बा नंबर D3 है और मेरा जो डब्बा नंबर है वो D1 है, वो थोड़ा इससे आगे है। तो अब मैं अपने डब्बे तक पहुँचूँगा पैदल चलकर। ये मेरा डब्बा नंबर है, अब मैं इसमें एंटर होऊँगा। मेरा सीट नंबर है 57 अंदर से कुछ इस तरह की ट्रेन है, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। फ्रेंड, फाइनली मैसूर आ गया। ये देखते हैं किस प्लेटफार्म पर आई है। ये प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई है ट्रेन, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। अब मैं एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ। ये यहाँ पर थोड़ा लेट आई है आज, वैसे इसका टाइम जो 2.5 घंटे में पहुँचती है, लेकिन ये आई है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया इसने आज। और ये प्लेटफार्म नंबर 2 पर है ये गाड़ी खड़ी।
वंडरफुल फ्रेंड, मैसूर का जो रेलवे स्टेशन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ।